अस्सलाम वालेकुम। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को, हर सारे तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो और अल्लाह हम सब की कुर्बानियाँ भी कबूल फरमाए। ये कोरोना का मूजी मर्ज़ अभी तक चल रहा है और इस वजह से इस दफ़ा का हज भी बहुत 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 ही महदूद सतह पे हुआ है। इसी वजह से बाहर से तो कोई बाहर से क्या, वो अंदरून सऊदी अरब के अंदर से भी बहुत कम, चंद हज़ार ही लोग गए हैं और हज की फ़राइज़ अदा कर सके हैं। वो भी एक टोकन था, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, वो भी चलाना है। अभी अल्लाह करे, दुआ करें, हम सब दुआ करें, मिल के दुआ करें कि ये अल्लाह ताला, ये सारी दुनिया पे जो वबा फैली हुई है, इससे जल्द हम सबको, सारी इंसानियत को इससे निजात दिलवाए। शुक्रिया। हूँ मैं अपने मकामिया साथियों नाल मुखातिब हाँ। ये हजे तक ये मूजी मर्ज़ चलना पे करोना वाला, इस गलों इस बार भी, इस ईद ते भी सारा रिवायती बोर्ड बंगले जड़ा होना है, इकट्ठ हो न थी सकसी, मिल बा न सकसा, सिर्फ फोना ते गल कर सकसा। अल्लाह करे जल्द इस कुल निजात होवे, तां जे असा वत मिल बा सगा, अपनी महफल वत सजा सगा। ते ये अपना ख्याल करो, ये मूजी मर्ज है, ये लोगों की गलों से ये ना हो कि नहीं कोई नहीं, कोई नहीं नहीं है। सारी दुनिया जी आखनी पई है, सारी दुनिया ने जड़े सब तो बड़े साइंसदान हैं उन आखने पैन ये है तो वो है। इसने ये मतलब नहीं कि कोई लवना आखे जो कोई नहीं, इन गल नहीं। अपनी एहतियात करो तो कुर्बानी से भी अपनी एहतियात करो, तरीके नाल करो, अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करे सी, जल्द रौनक बाद बहाल थी। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद ने इस मौके ते मैं तो को आखना चाहसा कि करोना वायरस की वबा जी है वो अजे तक पाकिस्तान चे बिल्कुल मौजूद है बदकिस्मती नाल। ते कुछ लोग जे हैं उन्होंने खुशफहमी है कि करोना वायरस की वबा जी है वो पाकिस्तान च खत्म थी गई है या केस हम बहुत घटने पैन, लेकिन बदकिस्मती नाल एक गल जी है इस कोई सच्चाई कोई नहीं। पूरे पाकिस्तान से करोना टेस्टिंग किट्स बहुत थोड़ियाँ हैं, तो खास तौर से सारे ज़िले से तो ना होने बराबर हैं, ज़िला मियावाली से ना होने बराबर हैं करोना टेस्टिंग किट्स। इस वजह से वो रिपोर्ट भी घट थी ना पे, तो एक अदे केसेस थोड़े थी ना पैन। इसमें एक मेन वजह यह है कि केस रिपोर्ट घट थी ना पैन। इस वजह से मैं तो सारे को सिर्फ आगाह करना चाहना कि मेरे भराओ मेरे बुजुर्गो अपना तो बहुत ख्याल रखो। ईद ने इस मौके पर, कुर्बानी वाली ईद ने मौके पर अपना बहुत खास ख्याल तुसा रखना है, कुर्बानी ने मौके पर ख्याल रखना है। एहतियात करो, मास्क ना इस्तेमाल करो, ग्लव्स ना इस्तेमाल करो, सफाई ना ज़्यादा एहतियात करो, क्योंकि ये वबा अजे तक असारे मुल्क च मौजूद है बल्कि पूरी दुनिया च मौजूद है। तो असा सारे रल मिल के इन यार इस ना सामना कर सा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सा को इस वबा तो निजात दे सी। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं तुसें सारयां को ईद मुबारक आखना चाहना, तो उसने बाद मेरा एक स्पेशल पैगाम है असाडे नौजवानों वास्ते, क्योंकि तुसें सारयां को पता है कि ये पैगाम फेसबुक ते चलना पे, ते तुसा जेहड़े नौजवान हो वो ज़्यादा फेसबुक ना इस्तेमाल करे ने हो। इस वास्ते मैं तुसा सारे नौजवानों को ये आखना चाहना कि तुसा तुहाड़ी जिम्मेवारी है, हाँ, तुसा ये पैगाम अपने बुजुर्गों तक पहुँचावना कि मास्क ना इस्तेमाल करो तो एहतियात करो, क्योंकि करोना बहु असल शय है, तो लोग इस को बीमार ही थीन ते मरने ही पैन पूरे पाकिस्तान च तो पूरी दुनिया च। तुसें ही अपने बुजुर्गों को आगाह करो ताकि उन्हीं ज़्यादा एहतियात करो जितने तक साढ़े मुल्क को इस बीमारी को निजात नहीं मिलनी। मेहरबानी।